नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 7, पार्ट 1, मुद्रिका प्रसंग। जो श्री राम जी जब वनवास हुआ था और सीता हरण हुआ, उसके बाद सीता जी की खोज में जब लक्ष्मण जी, राम जी निकले और हनुमान जी भी साथ में थे, तब हनुमान जी को दक्षिण दिशा की तरफ अपनी मुद्रिका देकर सीता की खोज में गए, उस समय की यह प्रसंग है। इनके कवि तुलसीदास है। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ, मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। सगुण काव्य धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांद्रा जनपद के अंतर्गत राजपुरा गांव में हुआ। इनका जन्म राजपुरा में हुआ और ये उत्तर प्रदेश बांद्रा जिले में आता है। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी तथा पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति थी, परंतु एक दिन उसकी फटकार से गृह त्याग कर दिया और संसार से विरक्त हो गई। यानी अपनी पत्नी की फटकार पर, पत्नी की डांट खा के वो घर त्याग दिया और घर से अलग हो गए। अब वो राम भक्ति में लीन हो गई। राम के प्रति तुलसी की भक्ति सेवक सैन्य भाव की थी, यानी जो उनकी भक्ति थी वो सेवक के रूप में थी। रामचरितमानस तुलसीदास की कृति का मुख्य स्तंभ है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लेकर इनके वो जो उनके कीर्ति उनका जो चारों तरफ ख्याति फैली थी, इसी से फैली इसी काव्य से। इसके अलावा उन्होंने अन्य काव्य भी लिखे, जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, बरवी रामायण आदि इन्होंने इनके श्रेष्ठ ग्रंथ हैं। रामचरितमानस की भाषा संस्कृत निष्ठ अवधि है, यानी जो इन्होंने रामचरितमानस लिखा उसकी भाषा संस्कृत वो अवधि में लिखी। इस काव्यांश में रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है। यह जो भाग है वो सुंदरकांड से लिया गया है। इस अंश में हनुमान जी राम की दी हुई अंगूठी लेकर लंका यानी अशोक वाटिका में आते हैं। वहाँ माता सीता को पहचान कर अंगूठी नीचे डाल देते हैं और राम नाम अंकित देखकर सीता भाव विभोर हो जाती है। उसके बाद हनुमान सीता के समक्ष राम का गुणगान करने लगते हैं और सीता मंत्रमुग्ध हो अमृत रूपी वाणी सुनने लगती है। इस काव्य में यानी इस प्रसंग में ये वर्णन किया गया है। अब प्रसंग का अर्थ और प्रसंग हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। बाय बच्चों।